दोस्तों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दौलत है निरोगी काया, अर्थात मनुष्य का अपना स्वास्थ्य। इस स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए या इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस लेख में मैं आपको 36 ऐसे नियम बता रही हूँ जिनका पालन करके आप बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्वस्थ रहने के 36 नियमों के बारे में, 36 हेल्थ रूल्स इन हिंदी। नंबर 1, सुबह के समय बिना ब्रश किए सबसे पहले 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। आप दिन में जब खाना खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो खाने के साथ पानी ना पिएं और ना ही तुरंत खाना खाने के बाद पानी पिएं। नंबर 3, आप पानी खाना खाने से कम 40 मिनट पहले 1 गिलास पानी पिएं, इसके बाद पानी ना पिएं, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं और वो भी गुनगुना। दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी अवश्य पिएं। फ्रिज में रखा ठंडा पानी ना पिएं। अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि खाने के साथ पीने की जगह थोड़ी देर बाद पिएं, क्योंकि चाय में मौजूद कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालती है। और नंबर 7, गर्मी में धूप से आकर तत्काल हाथ, पैर या मुंह नहीं धोना चाहिए तथा ना ही स्नान करना चाहिए। नंबर 8, जिन्हें कब्ज रहता है उन्हें पके पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 9, दिन में थोड़ी देर नंगे पांव चलना चाहिए और अगर आप हरी घास पर नंगे पांव चलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि धरती के सीधे संपर्क में आने से आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। नंबर 10, स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। नींद इतनी कम भी ना हो कि शरीर थका थका रहे और इतनी अधिक भी ना हो कि आलस आने लगे और मोटापे का कारण बने। आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेनी चाहिए। नंबर 11, स्वस्थ रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, जो आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मनोरंजक संगीत सुन सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी हॉबी के अनुसार कोई कार्य कर सकते हैं। नंबर 12, सुबह खाली पेट कभी भी चाय, कॉफ़ी, दवाई, कोल्ड ड्रिंक, शराब, चटपटा या ज़्यादा मसालेदार आहार ना खाएं। नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है और शरीर कई रोगों से मुक्त रहता है। नंबर 13, सुबह का नाश्ता जरूर करें। नंबर 14, सुबह का नाश्ता पेट भर कर करें। दोपहर का खाना सुबह के खाने से हल्का करें और रात का खाना भूख रख कर करें। 15, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले करें। नंबर 16, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाई करवट जरूर लेटें। नंबर 17, रात का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलें। नंबर 18, अपने खाने में फाइबर की सही मात्रा रखें। 19, अपना खाना अच्छे से चबा कर खाएं। नंबर 20, खाना खाते समय टीवी या मोबाइल ना देखें। खाना खाने के बाद वज्रासन जरूर करें। रात के समय दही, चावल या राजमा जैसी भारी गरिष्ट वस्तुओं का सेवन ना करें। सांस हमेशा नाक से ही लें। मुंह से सांस लेना कई रोगों को आमंत्रित करता है। भूख लगने पर ही भोजन करें। बिना भूख के हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन ना करने से, कम करने से या अधिक करने से भी आपकी पाच काग्न पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब पाचन क्रिया जो रहती है हमारी उस पर बहुत असर पड़ता है। नंबर
25 भोजन करते समय किसी भी प्रकार की चिंता, शोक, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। नंबर 26 रात के समय सोने से पहले दांत जरूर साफ करें और एक गिलास पानी पीकर सोएं। नंबर 27 मैदे से बनी वस्तुओं से परहेज ही करें, यदि नहीं कर सकते तो कम खाएं। 28 चीनी और नमक का सेवन कम करें, चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का प्रयोग करने की कोशिश करें। नंबर 29 बाजार से खाने की आदत को कम करें, अगर आपका कुछ खाने का दिल है तो कोशिश करें कि घर पर ही बनाकर खाएं। नंबर 30 खाना खाने के बाद सौंफ, गुड़ खाने की आदत डालें, इससे खाना आसानी से पचने में मदद मिलती है। 31 प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें, कोशिश करें सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है और शरीर कई रोगों से मुक्त रहता है। तो पूरी कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 32 सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की 20 से 30 मिनट तक मालिश अवश्य करें। नंबर 33 अपने खाने में फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें। नंबर 34 आपका भोजन हल्का गर्म होना चाहिए। 35 सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 36 कभी भी दो विरुद्ध आहारों का सेवन एक साथ ना करें, जैसे मछली और दूध। नमक और दूध का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके की और भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने अपने चैनल पर मोटिवेशनल, हार्ट टचिंग, मोरल स्टोरीज भी अपलोड की हैं, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।